नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। गोल्डन गर्ल और जमुई से भारतीय जनता पार्टी की विधायक श्रेयसी सिंह आज पटना स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहुंची है। जिस तरह से कार्य समिति की सदस्य बनाए जाने के बाद उनको एक बड़ा दायित्व भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया है, उसी पर आज उन्होंने कहा है कि जो भी दायित्व मुझे शीर्ष नेताओं ने दिया है मैं उसका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और साथ ही साथ अपने क्षेत्र और तमाम बिहार के लिए जो भी युवा संगठन के स्तरीय कार्य होंगे मैं उसे पूरे श्रद्धा के पूर्वक निर्वाहन करूंगी। क्या कुछ कहा है और श्रेयसी सिंह ने इस पूरे मसले पर, आइए हम आपको सुनवाते हैं। युवा मोर्चा में कार्यकारिणी में आपको नियुक्त किया गया है, डेफिनेटली उनको लगता है। सबसे पहले तो धन्यवाद देते हैं जेपी नड्डा साहब का और तेजस्वी सूर्या जी का, साथ ही साथ बिहार के अपने जितने भाइयों के भाइयों हैं उन्होंने हमारा खूब साथ दिया है, आगे बढ़ने का मौका दिया है। हमने हर बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमें जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी उसको हम बहुत अच्छे से निभाने का प्रयास करेंगे, पूरी जोर से निभाने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ युवा मोर्चा में क्या कुछ नया चेंजिंग होगा आने के बाद, क्या कुछ नया कार्य? अभी देखिए कार्य समिति की पहली बैठक होनी बाकी है, तो जो भी हमें राष्ट्रीय स्तर पे दिशा निर्देश मिलेंगे उसका पालन करेंगे और जिस तरह से हमने कहा कि संगठन को पूरी मजबूती से बिहार में जमुई में खड़ा करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जैसे कोविड के समय में युवा मोर्चा ने बहुत सारे काम किए हैं, कोविड खत्म हो गया है, अब क्या कुछ युवाओं के लिए करेंगे आप लोग संगठन को मजबूत? जी बिल्कुल, संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोग युवाओं का कार्यक्रम करेंगे, हर विधानसभा में कार्यक्रम करेंगे, जिला स्तरीय कार्यक्रम करेंगे, जिससे कि जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, सिद्धांत है, उनको हम आगे बढ़ा सके। धन्यवाद। तो तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।